और एक दुख की बात ये हो गई कि इनके मम्मी को कल बाघ ले गया, तो अजीब लग रहा है ऐसा सुन के। अरे भगवान जी, एक देखा कान खाड़ पे ले गया ये, तो ये देखिए जब लेके गया होगा ना तो कैसे घसीटे मार रखे हैं बाघ ने। इधर से ये देखो, यहाँ पर से उसके नाखूनों के निशान हैं, और इधर से देखो, इधर से खुदान भी हो रखा है, इधर थोड़ा सा कैसा हो गया घास, यहाँ पर देखिए जब घसीटते हुए लेके गया होगा ना। कैसा लगा आपको वहाँ, कैसा लगा? से आ रहे हैं हम, हाँ मंदिर से आ रहे हैं। अच्छा, भोलेनाथ जी के दर्शन करने के लिए जा रखे थे। अच्छा, और आ गए हम वहाँ से। कैसा लगा आपको वहाँ? बहुत अच्छा लगा, इतना सुंदर लगा, बारिश बहुत तगड़ी बारिश भी आई। अच्छा, मैं मन मजा फोन में वीडियो भेजवा। अच्छा, तभी बनाने मिल तो मैं बोल लिया कुछ आप लोगों को, लड़का कौन क्या बोलो ना। आज क्या बना रही हो आप? आज मैं मक्के की रोटी बना रही हूँ। अच्छा, मक्के की रोटी। तो भाई दोस्तों, आप लोग भी आ जाइए मक्के की रोटी खाने के लिए, भुट्टे की, मुंगरी की, पहाड़ी भाषा में तो मुंगरी बोलते हैं हमारे यहाँ। आप उसमें क्या बोलते हैं कमेंट कीजिएगा, आपके यहाँ क्या बोलते हैं इन्हें। अरे वाह, क्या तैयार हुआ ये मक्के की रोटी, क्या तैयार हुई है, ये बन गई पहली पहली मक्के की रोटी। ये देखिए भाई दोस्तों, ये बन के तैयार हो गई है। आप लोग भी आ जाइए, अब बनेगी दूसरी मक्के की रोटी। अरे तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए ने आज से हमने अनुप्राशन कर दिया है, इनका अन्न ग्रहण कर रहे हैं, और कैसा खा रहे हैं खाना। और एक दुख की बात ये हो गई कि इनके मम्मी को कल बाघ ले गया, तो अजीब लग रहा है ऐसा सुन के। अरे भगवान जी, एक देखा कान खाड़ पे ले गया, भूख लगी हूँ तथा वो खा नहीं था। बनो ये देखो रे दोस्तों, ये अपनी मम्मी को ढूंढने पे लगे हैं, और इनकी मम्मी रात से लापता है। तो दोस्तों, ये रात को ना यहाँ रहते थे, इनकी जगह मैं बताता हूँ यहाँ, और यहाँ पर से आप देखेंगे तो ये देखिए जब लेके गया होगा ना तो कैसे घसीटे मार रखे हैं बाघ ने। इधर से ये देखो, यहाँ पर से उसके नाखूनों के निशान हैं, और इधर से देखो, इधर से खुदान भी हो रखा है, इधर थोड़ा सा कैसा हो गया घास, यहाँ पर देखिए जब घसीटते हुए लेके गया होगा ना, तो ये देखिए इधर को लेके गया नीचे को भाई, फिर इधर से आगे से नीचे को, फिर उस वाले खेत के किनारे से यहाँ पर देखेंगे आप घास पूरा फिर वैसा हो रखा है। इधर से लेके गया रे इनकी मम्मी को बाघ, अब ये कैसे रहेंगे मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। तो किसी को चाहिए होंगे ये पिल्ले, तो भाई दोस्तों ले जाओ इनको, कम से कम कोई पाल तो लेगा, नहीं तो ये ऐसे ही रहेंगे। क्या करना है अब इनका? ये तो मंदिर पर बैठ वक्त बढ़िया किया खर। अरे भाई वक्त पानी मुनी सब घंटे पर गरम छ, बस ई वे गया कि वो का ना गरम छ, और ठीक ठाक छवा और बढ़िया। मैं मन मजा फोन में वीडियो भेजवा। अच्छा, तभी बनाने मिल तो मैं बोल लिया कुछ आप लोगों को, लड़का कौन क्या बोलो ना, कुछ भी बोल की जाइयो। अच्छा, लुड़की बैठे आनु को। अच्छा, और तो आर बैठ दिया मानो ची की पुंडाई दिया मानो ये की ना।
अच्छा वॉक जाना चाहो। अच्छा 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 ताई जी लोग भी आ रखे थे दोस्तों सुरगढ़ी है ना। कैसा लगा आपको वहाँ, कैसा लगा? से आ रहे हैं हम, हाँ मंदिर से आ रहे हैं। अच्छा भोलेनाथ जी के दर्शन करने के लिए जा रखे थे। अच्छा और आ गए हम वहाँ से। कैसा लगा आपको वहाँ? बहुत अच्छा लगा, इतना सुंदर लगा, बारिश बहुत तगड़ी बारिश आई। अच्छा और हम धीरे धीरे करके अब हम अपने घर को आ गए। अच्छा और वो वाली ताई जी तो 40 साल में आए हैं। हाँ 40 साल के बाद आई, 40 साल में आई मैं। और हमारा गांव में आपने पहली बार देखा? तुम्हारा गांव पहली बार देखा। कैसा लगा आपको हमारा गांव? बहुत अच्छा लगा तुम्हारा गांव। तुम्हारे गांव में हमारी सहेली भी है, सहेलियों को भी देख के आ गए। अच्छा दीदी को देख के आ गए, पर भी आ गए थे हम, बड़ी मुश्किल से गए, मतलब जाने को तो हम फटाफट चल गए, पर घर से ऐसे हो रखा था कैसे जाएं कैसे जाएं। अच्छा ऐसे पहुंचे कि जैसे हवा, पता भी नहीं चला। ये भी भोलेनाथ की शक्ति है। और हाँ सही बात है, दर्शन करके आ गए आप घर की तरफ हैं। तो ताई जी लोग हैं भाई कदोला गांव के, जो कि हमने परसों के ब्लॉग में भी देखे होंगे और फिर देखोगे आप अभी सोमवार वाले ब्लॉग में, है ना। तो चलो जाओ तुम, है ना, बाय बाय। हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय रावत और आप सभी का स्वागत है संजय रावत ब्लॉग्स में। आशा उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घरों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों भी एकदम फर्स्ट क्लास है। और आज का ब्लॉग भी मैंने स्टार्ट तो सुबह से कर दिया था, लेकिन कंटिन्यू अब शाम से कर रहा हूं। और मैं जा रहा हूं पानी के लिए और छपली उधार, तो चलिए आपको भी ले चलते हैं। और आज के, और दोस्तों आज के मौसम की बात की जाए तो मौसम भी इतना ख़तरनाक हो रखा है ना, चारों तरफ से कोहरा आ रखा है और बारिश आने की संभावनाएं बढ़ गई है। तब देखते हैं क्या पता होती है बारिश की नहीं होती है। तो मैंने सोचा क्या पता फिर कल भी बारिश रहे तो फिर पानी के लिए नहीं जा पाऊँगा, तो इसलिए मैंने सोचा मैं पानी लेके आ जाता हूँ। तो चलिए बने रहेगा ब्लॉग में। और बाकी दोस्तों ना, जो यहाँ पर ये काला कुत्ता था जिसने कुछ दिन पहले कुछ 4-5 बच्चों को जन्म दिया था ना, उसको भी कल रात को, मतलब आज रात को भाग लेके चला गया है। तो बच्चे भी ऐसे ही घूमने पे लगे हैं रे, वो भी ढूंढ रहे हैं अपनी मम्मी को कि हमारी माँ कब आएगी। अब उनको क्या पता कि उनकी माँ अब कभी नहीं आने वाली, क्योंकि उसे भाग लेके गया है। तो उन्हें देख के भी थोड़ा अजीब लग रहा है। बाकी उनकी देख रेख वहाँ पर के जो अंकल जी हैं, जो सड़क पर काम चल रहा है, तो वहाँ अंकल जी खाना बनाते, तो वही अंकल जी देखने पे लगे हैं उनको, उनके खाना पीना वही खिला रहे हैं। बाकी अभी वो छोटे हैं तो ज़्यादा भी नहीं खाते हैं, वो दूध में थोड़ा रोटी थोड़ा चावल ऐसी सब चीज़ें ही खाने पे लगे हैं। बाकी अब देखो तब उनका भी क्या होता है। बाकी किसी को चाहिए होंगे तो ले जाना ज़रूर उन बच्चों को। ओ चचे लिया हुआ पानी, आप जान चाहिए आप जानो सुमी अभी छः टाइम छः नहीं मिला दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं पंजरे में छपलूधार, और यहां कोई भी नहीं है, कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। ये देखिए एकदम सन्नाटा सा, एकदम सन्नाटा सा छा रखा है। बाकी मैं भी फटाफट से अपना डिब्बा लगाता हूं, क्योंकि बारिश आने की संभावनाएं बढ़ गई है।